Hello, hi, most welcome in this new learning, this new topic, everyone, where we are going to learn intonation. What intonation? So what is your understanding about intonation? आपको क्या समझ में आता है इंटोनेशन का मतलब होता क्या है? What is intonation in English speaking? English speaking के अंदर इंटोनेशन क्या होता है? What is intonation in English speaking, everybody? Please think. सोचिए 5 सेकेंड के लिए. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, I hope you thought. I hope कुछ तो दिमाग में आया होगा. तो चलिए अब देखते हैं, मैं आपको इंटोनेशन का एक एग्जांपल देके बताता हूँ. जैसे कि ऑन द इन द लास्ट क्लास आई टॉच यू पोलाइट फ्रेजेस और वर्ड्स, राइट? सो भी आपने देखा, मैंने जो एक सेंटेंस बोला अभी, इसमें मैंने फ्लक्चुएशन इस्तेमाल किया, स्ट्रेस इस्तेमाल किया, ठीक है? तो यही तो है इंटोनेशन, और इस इंटोनेशन का इस्तेमाल करके हम अपने स्पीकिंग को फैंटास्टिक तरीके से सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं इसके ज़रिए. अगर आप फ्लैट टोन में बात करेंगे, फ्लैट टोन में, आई वॉज टीचिंग दैट डे पोलाइट फ्रेजेज एंड आई होप यू लर्न पोलाइट फ्रेजेज. आई डोंट नो यू लर्न दिस और नॉट, मे बी यू लर्न इट इन अ वेरी फैंटास्टिक वे. तो ये हो गया एक फ्लैट टोन विदाउट इंटोनेशन. इसी बात को अगर इंटोनेशन का इस्तेमाल करते हुए बोला जाए, ऑन दैट डे आई टॉट यू व्हाट पोलाइट फ्रेजेस. डिड यू लर्न समथिंग ऑन दैट डे? इफ यू डिडंट लर्न, प्लीज गो बैक एंड लर्न B.3 पोलाइट फ्रेजेस और वर्ड्स. देखा ना आपने, जब मैंने इंटोनेशन का इस्तेमाल किया, आई होप कि आपको सुनने में ज्यादा मजा आया होगा, आपको इंटरेस्ट जगा होगा, हाँ सर को सुनना चाहिए. लेकिन अगर मैंने इंटोनेशन का इस्तेमाल नहीं किया था, जो बीच में एक लाइन बोला था, उसमें आपको लगा क्या सर क्यों पका रहे हो, ऐसा कुछ फील आया होगा अंदर में, आया होगा कि नहीं आया होगा. तो आखिर इंटोनेशन में होता क्या है? तो इंटोनेशन के कुछ पार्ट्स हैं, इंटोनेशन के अंदर में कुछ इसके एलिमेंट्स हैं जो इंटोनेशन को इंटोनेशन बनाता है. क्या है ये, आप सीखेंगे इसी वीडियो में. अंत तक बने रहें, एंड तक जरूर देखें. तो क्या है पार्ट्स? सबसे पहला है पिच, दूसरा है पेस, तीसरा है टोन, फोर्थ है वर्ड स्ट्रेस. तो ये चार चीज मिलके इंटोनेशन का फॉर्मेशन करते हैं, इंटोनेशन को बनाते हैं. इंटोनेशन के ये चार पार्ट्स हैं. जब इन चारों चीजों का इस्तेमाल होता है हमारी स्पीकिंग में, तो कहते हैं इंटोनेशन का इस्तेमाल हुआ. उन्होंने, उनकी इंटोनेशन बड़ी अच्छी थी, बहुत अच्छा टोन था, बहुत अच्छा इंटोनेशन था भाई, बहुत अच्छा बोला उन्होंने. जैसे मोदी जी बोलते हैं, भाइयों बहनों देखा ना आपने, अच्छा कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे. तो देखा उन्होंने क्या किया, एक चीज को दूसरी चीज के साथ रिपीट करते हुए अपने पहले वर्ड को लो किया, सेकेंड वर्ड को जिस पे आपके दिमाग को रखना है उस वर्ड पे स्ट्रेस मारा. जैसे ही स्ट्रेस मारा तो आपको कहेंगे भाइयों बहनों, तो क्या हुआ, आपको लगा हाँ हाँ मैं कितना अपना बंदा है, मुझे भाई बहन कहता है, ठीक है, वो लोग झूठ बोलेंगे. तो क्या बोलेंगे, आपको दिमाग में क्या आया, आपका प्रेशर कहाँ गया, आपका उन्होंने स्ट्रेस कहाँ दिया, झूठ वर्ड पे दिया. अब आपके दिमाग में एक इमेज फॉर्मेशन होगा, एक सिचुएशन तैयार हो जाएगी तुरंत खटाक से, कि आपको झूठ वाली बातों पे ध्यान देना, हाँ वो बात झूठ बोला था, वो बात झूठ बोला, दिमाग में चलने लगेगा. तो ये काम होता है स्ट्रेस का और फ्लक्चुएशन का. अभी हम लोग एक एक करके समझते हैं, पिच क्या होता है, पेस क्या होता है, टोन क्या होता है, वर्ड स्ट्रेस क्या होता है. ओके, सो पीपल हियर क्या होने वाला है, सबसे पहली चीज समझते हैं पिच क्या होता है. आपने क्रिकेट पिच देखा है, क्रिकेट पिच जो होता है जहाँ पे क्रिकेटर्स गेम खेलते हैं, ठीक है, यहाँ पे विकेट होता है, इधर विकेट होता है और प्लेयर खेलते हैं, तो ये जो पिच होता है उसी पे तो खेलते हैं. जितनी अच्छी पिच होगी उतना अच्छा खेल होगा, जितनी बुरी पिच होगी उतना बुरा खेल होगा. ठीक उसी तरीके से हमारे स्पीकिंग का पिच जितना अच्छा होगा उतनी ही तेज़ आवाज़ निकलेगी, और पिच जितनी
कमजोर होगी उतनी धीमी आवाज निकलेगी, ठीक है, हल्की आवाज निकलेगी। तो जैसे कि मैं बोलूं आई वॉज गोइंग देयर, तो मैंने क्या किया, हाई पिच का इस्तेमाल किया, तो मेरी जो साउंड निकली वो लाउड निकली, तेज निकली। I was going there. तो मैंने क्या किया, लो पिच का इस्तेमाल किया, तो मेरी आवाज कैसी हो गई, सॉफ्ट हो गई। देखा ना, तो ये हो गया पिच का काम। अगला पेस, पेस होता है गैप इन वर्ड्स, मतलब दो वर्ड्स के बीच में जो गैप है उसको मैं बढ़ा दूं। माई वर्क इज टू टीच यू, क्या कि मैंने गैप ज्यादा बढ़ा दिया तो मेरा जो स्पीकिंग है स्लो हो गया। अगर मैं बोलूं माई वर्क इज टू टीच यू एवरीवन, तो मैंने क्या किया, गैप को घटा दिया तो मेरी स्पीकिंग फास्ट हो गई, फास्ट हो गई। आपने ध्यान दिया इस चीज को। टोन क्या होता है, टोन होता है, टोन का तो सबसे ज्यादा रोल है। अगर मैं बोल रहा हूं तो किस समय बोल रहा हूं, जैसे कि मैं बोलूं थैंक यू सो मच, देखा एक हैप्पी टोन आया, थैंक यू सो मच, एक सैड टोन आया, थैंक यू सो मच, तो एक एंग्री वाला टोन आया। तो टोन हमारे मूड को दिखलाता है कि हम खुश हैं, नाराज हैं, सैड हैं, गुस्से में, किस मूड में हैं, इसको कौन रिप्रेजेंट करता है, टोन रिप्रेजेंट करता है। अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको। अगली चीज वर्ड स्ट्रेस, वर्ड स्ट्रेस किसी एक पर्टिकुलर वर्ड पे हमें स्ट्रेस देते हैं और सामने वाले को बताते हैं कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि जैसे कि अगर मैं बोलूँ एक सेंटेंस आई वॉन्ट टू, लिख ही देता हूँ, जैसे कि मुझे एक सेंटेंस बोलना है आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेस दूँ आई पे, I want to learn English, तो आपको क्या समझ लगेगा कि हाँ ये बंदा इंग्लिश सीखना चाहता है। I want to learn English, मतलब ये हुआ कि ये बंदा क्या चाहता क्या है आखिर, तो चाहता क्या है, इंग्लिश सीखना। I want to learn English, अब learn पे जब मैंने स्ट्रेस डाला तो इसका क्या मतलब हो गया, learn पे स्ट्रेस का मतलब कि क्या चाहता है अगला बंदा, सीखना चाहता है, सीखना चाहता है। I want to learn English, मैंने इंग्लिश पर जब जोर दिया, छोटे बच्चों को देखना, छोटे बच्चे अक्सर स्ट्रेस का इस्तेमाल करते हैं गुस्से में आने के बाद, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, तो क्या समझ में आया कि इंग्लिश के बारे में कोई बात हो रही है, कुछ समझे तो समझे अगला बंदा, इंग्लिश को जरूर समझ जाएगा। जैसे बच्चे क्या करते हैं, पापा आई वॉन्ट चॉकलेट, चॉकलेट, तो क्या हुआ, चॉकलेट पे स्ट्रेस डाला तो गार्जियन को समझ में आया, अच्छा अच्छा इसको चॉकलेट चाहिए, जा चॉकलेट रख दे, ठीक है। तो बात समझ आई स्ट्रेस का क्या रोल है। तो जब तक पिच, पेस, टोन, वर्ड स्ट्रेस का इस्तेमाल हमारे स्पीकिंग में नहीं होगा, वी आर नॉट गोइंग टू बी फैबुलस, फैंटास्टिक एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंग्लिश स्पीकर विदाउट इंटोनेशन। सो पीपल प्रैक्टिस, यूज इट एंड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने प्रेजेंट करें लाइव आकर के। और जूम लिंक का अगर आपके पास नहीं है जूम लिंक तो प्लीज www.stamfordist.in पे विजिट करें, जूम लिंक हासिल करें और मौका पाएं मुझसे लाइव बात करने का, अगर कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट है उसको क्लियर करने का। और जब भी लिंक मिले आपको तो एक प्रेजेंटेशन छोटी सी तैयार करके ज़रूर आएँ, एक आध मिनट की, और उस प्रेजेंटेशन को मेरे सामने ज़रूर दें लाइव वन टू वन, ताकि मैं उसको आपको फीडबैक दे सकूं कि वेयर यू नीड टू वर्क एंड व्हाट इज़ फैंटास्टिक एंड व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं अगले लेसन में, अगले वीडियो में।